Where are you going? आप कहाँ जा रहे हैं? वो खोल तो दे, जाए लॉक तो खोल, ओपन कह रहे, ओपन इट। इनके काम चेक करें आप, इनकी अकल को सलाम। माशाल्लाह सब पता है इस छोटी सी चिटाकपुर की लड़की को। इसे सब पता है, सारे काम जानता है ये लड़का, सारे काम, सब काम करा लो। अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके? भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत का जो है ना मेरा तो पता नहीं, ये मेरे साथ हर ईद पे होता है, सिर्फ पिछले साल वाले ईद पे नहीं हुआ, वरना यूजली मेरे साथ ईद पे होता है कि मुझे एलर्जी शुरू हो जाती है। पता नहीं शायद गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो मुझे हो जाती है, क्योंकि मैं वैसे ही एस्थमेटिक हूँ, और दो तीन दिन से मुझे बहुत सीवर जो है ना एस्थमा के अटैक्स हो रहे हैं। अटैक से मुराद ये होती है कि सांस जब आप नहीं ले पा रहे होते, जैसे मैं अभी रुक रुक के थोड़ा मुझे बोलना पड़ता है, क्योंकि फिर मैं बीच में सांस लेती हूँ, मेरी सांस रुकती है। सो क्योंकि मैं इन्हेलर नहीं ले रही काफ़ी टाइम से, डॉक्टर ने जबकि मुझे कहा हुआ है कि मुझे इन्हेलर लेना चाहिए डेली, पर मैं नहीं ले रही, क्योंकि इन्हेलर फिर फॉरएवर वाली चीज़ है। सो मैं एंटी एलर्जिक खाती हूँ रोज़। तो ये है, गर्मियों में स्टार्ट हो गई है, मुझे सुबह सुबह ना छींकें शुरू हो जाती हैं और आंखें लाल हो जाती हैं। सो ये कुछ सिलसिला है, और अभी तैयारी भी करनी है, मुझे कुछ ईद के गुडी बैग्स बनाने थे, वो एक दो जगह मुझे भेजने हैं, और आज पता नहीं कर पाती हूँ नहीं कर पाती, तो लेट्स सी। फिर आज क्या करते हैं, व्लॉग कंटिन्यू, और चैनल को अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो अच्छा रहेगा। चले आज मैं आप लोग को दोबारा से तोतों से मिलवा दूँ, और क्या कहते हैं ये रहे, आज तो ये इतना शोर कर रहे थे, इतनी प्यारी प्यारी आवाज़ें निकाल रहे थे, और हमारे ना अपार्टमेंट में कोयल भी आती है, और कोयल की जो आवाज़ें होती है ना वो इतनी प्यारी, कोई कोयल की आवाज़ें होती हैं, मतलब सूदिंग, ऐसा लगता है आपका सारा स्ट्रेस दूर हो गया। तो ये इतने गौर से सुन रहे हैं मेरी बातें हैं भाई, इनका नाम मैंने रखा है कोको और गोगो, और जोएब पता नहीं इनको क्या कहते हैं, और जो जोएब कहते हैं उसी नाम से आयल इनको पहचानते हैं, मैं तो इनको कोको और गोगो कहती हूँ। हेलो, बहुत प्यारे यार इसके ना, यहाँ पे ब्लू मार्क भी है इस वाले के। बच्चे गए हेयर कट करवाने, क्योंकि जोएब के पास सिर्फ आज का दिन है। वेरी नाइस, पालू बाबू लग लिए, पालू बाबू। अब मैं उठ गई हूँ इफ्तारी की तैयारी करने के लिए, आज बनाएंगे पालक के पकोड़े, पूरा रमजान बिगड़ गया। और एक मिनट बेटा, पालक के पकोड़े नहीं बना, आप रखेंगे नहीं ना बेटा, रखा हुआ है रोजा, और रखेंगी क्या मतलब है, आपने सहरी नहीं की। हाँ आज हम सब ने सहरी नहीं की, सहरी के बगैर रोजा रखा, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और अलार्म पे मैं उठी नहीं। अब तैयारी करते हैं, और ग्रोसरी भी जो है और कंप्लीट हो गई है हमारी। जी वाटर इतना आई उसे, तो उसका भी क्लिप जो है मैं उसी वीडियो में अप डाल दूंगी, तो आप लोग देखेंगे। पालक के पकोड़े फ्राई करना मैंने स्टार्ट कर दिए, इतनी खुशी हो रही है ना, मतलब अब सिर्फ एक या दो रोज़े रह गए हैं, और अब जाके पालक के पकोड़े जो है ये फ्राई होने हैं। यहाँ बना रही हूँ मैं काले चने, सो ये अभी फ्रीज हुए हुए थे, अब इसको मैंने कवर कर दिया ताकि ये थोड़े से डीप फ्रोज हो जाए।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रोजा खुल चुका है। मैं खजूर खा रही हूँ। देखें क्या है इसके अंदर। मैं इस साइड बैठती हूँ तो बहुत अंधेरा आता है क्योंकि लाइट उधर है। आप वहाँ बैठे पर। सर मैं बहुत दर्द है मेरा। फिर भी इफ्तारी जो भी बना सके बना ले। ये नहीं खाता। इतने क्रिस्पी बने हैं पालक के पकौड़े। और मैं नहीं खाता ये। शानदार। और मुझे नहीं खाना था ये। बस दो ही दिन रह गए, उसके बाद रमजान की रौनकें खत्म। फिर ईद। फिर वही बोरिंग सा रूटीन। ईद जिससे मजा आता है बाहर जाते हैं। और फिर इंतजार करेंगे अगले साल रमजान का। ईद में मजा आता है, रमजान में नहीं आता मुझे। हाँ मुझे रमजान में नहीं आता, मुझे ईद में आता है। अच्छा भाई, तो बस आज का व्लॉग मैं ही खत्म कर रही हूँ पकौड़ों के साथ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब पता नहीं कि ईद से पहले कोई होती है नहीं होती है, ईद वाली डलेगी। बस करो नाइल। तो चले भाई, आप सब अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। एडवांस ईद मुबारक। अगर मैं ईद में मिल पाई पहले वो डाली तो डाली बनाओ। टाटा टाटा बाय बाय। क्या हो गया? क्या चिप्स खानी है? ला रहे हैं बाबा, ला रहे हैं। वेट। सो हम आए हैं ग्रोसरी खाने। सो हमारी ग्रोसरी जारी है। इसी वाली लेंगे। पेप्सी नहीं ले यार। हैं? ब्लैक कौन पीता है? चावल लेना। व्हाइट लेना। ड्यू ले लें या ये वाली ले लें? हाँ तो सेवन अप। कोक नहीं आती इसमें? कोक नहीं देते ये इसमें? तो वो तो फिर महंगी पड़ेगी ना। वो रही ना कोक? ओहो वो तो ज़्यादा है। कॉफ़ी के प्राइस हो गए हैं 700 रुपये ऑलमोस्ट। या अल्लाह। तो अभी हम ले रहे हैं ब्राउनी। दिस वन बन रही है कॉफ़ी। गुड्डू मामू क्या कर रहा है यार वो? गेट करने दो। ये लो रखो। गुड बॉय, गुड जॉब। ये लो ये रखो। गिराना नहीं। ये लो रखो, उसको दो, उसको दे रही हूँ ना मैं। वेरी गुड, गुड जॉब, रख दो। वेरी गुड। चले जी हमारी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है ये की ग्रोसरी। और मेरे बाल ऐसे हो रहे हैं उजड़े हुए, उजड़े उजड़ा हुआ चमन हो गया, उजड़ा हुआ। नाहिर इधर से आते ना, हरकतें देखो, चेक करें। हो गई ग्रोसरी आपकी? हाँ ग्रोसरी हो गई। मज़ा आया जेब खाली? पहले दिल दिल नहीं धड़कता था ना जब बिलिंग हो रही होती थी। इनकम बढ़ाओ भाई, इनकम बढ़ाओ। समझ आ रही है आपको?